Friends, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about most important questions. Each question carry 2 marks. Question first. List properties of metals. Metals की properties क्या है? Properties of metals. धातुओं के दो गुण. मेटल्स क्या होता है? धातु. तो इसमें क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर मेलिएबल, लस्टरस, सॉलिड, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं. अब इसमें जितनी पूछा 2 properties, 3 properties उतनी लिख देंगे. ठीक है, तो लिस्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. सिलेक्ट द मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें देखेंगे मेटल्स सिलेक्ट करेंगे. क्या है? निम्न में से जो धातु है उनको छांट कर लिखना है. क्या है? आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड, कॉपर, चारकोल, सिल्वर एंड नाइट्रोजन. यू नो वेरी वेल अबाउट मेटल्स. सो हियर सिलेक्ट मेटल्स. अंडरस्टैंड? आयरन. आयरन क्या है? मेटल है. गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर. तो हियर 4 मेटल्स, आयरन, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर. और ये सभी जो है जैसे प्लास्टिक है या चारकोल, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल है. तो तुमको लिखना है आयरन, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर. क्वेश्चन 3. डिफाइन एडोलेसेंस. एडोलेसेंस क्या है? डिफाइन एडोलेसेंस. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस. हियर एडोलेसेंस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. इसको क्या कहते हैं? एडोलेसेंस. इस प्रकार से ये जो है तरुण अवस्था, इसे क्या कहते हैं? तरुण अवस्था, एडोलेसेंस. क्वेश्चन 4. लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स में नॉइज पॉल्यूशन किस को प्रोड्यूसर क्या है? तो नंबर 1, साउंड ऑफ व्हीकल्स, साउंड ऑफ किचन एप्लीसेंस, साउंड ऑफ लाउड स्पीकर, टीवी एटसेट्रा, साउंड ऑफ वर्स्टिंग क्रैकर्स. तो दीज आर द सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. इससे नॉइज पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग. तो प्योर वाटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं? तो आंसर नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट कैन बी मेड कंडक्टिंग इफ एसिड, बेस और सॉल्ट इज डिजॉल्व इन इट. तो प्योर वाटर में यदि सॉल्ट, एसिड या बेस मिला दिया जाए तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है. क्वेश्चन 6. व्हाट आर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट. द पासिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एग्जाम्पल क्या है इसका? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एग्जाम्पल्स हियर इलेक्ट्रो प्लेटिंग. क्वेश्चन 7. एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद अवर हैंड. अंडरस्टैंड? अवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन वी टच ए चार्ज बॉडी विद अवर हैंड द चार्ज बॉडी लूज चार्जेस टू द अर्थ थ्रू अवर बॉडी. तो चार्ज बॉडी, जैसे कि अपनी बॉडी जो है ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. चार्ज बॉडी को जैसे ही टच करते हैं तो अपने शरीर से चार्ज होता हुआ अर्थ में चला जाता है. इस प्रकार चार्ज बॉडी जो है वो अपना चार्ज जो लॉस कर देती है. क्वेश्चन 8. लिस्ट 3 states इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मूव लाइकली टू स्ट्राइक.
लाइकली टू स्ट्राइक। तो इसमें जो है तीन ऐसे राज्य जिसमें भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है, यहाँ अधिक भूकंप आते हैं, तो आंसर इसका है कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे इसको, कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। क्वेश्चन 9, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसको अच्छी प्रकार से हमने याद किया, और याद करिए इसको। क्वेश्चन 9 है ये, फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल के बराबर ही होता है। तो फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होते हैं तीनों ही। उसको जो है लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन 10, राइट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिससे हम अपना फेस देखते हैं, ये प्लेन मिरर जो है इसके जो इमेज बनता है इसके करेक्टर क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसा नेचर है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल होता है, आभासी होता है, इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, और बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे बनता है और सेम साइज समान साइज का होता है। 11, राइट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल नोट्स लिखी, तो इसमें एट पॉवर्टी द ग्रोइंग बॉयज वॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। इसी को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। क्वेश्चन 12, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बी, ए चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो है ए है, ये कैसा फॉल्स है, लाइक चार्ज जो है ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो कैसा ये फॉल्स है। बी ट्रू, बी क्या है ट्रू। क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट आंसर, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड जो है ट्रेवल करती है, गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अब हियर आंसर डी, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। क्वेश्चन 14, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर क्या है, द सबस्टेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स एज आयरन कॉपर। आयरन कॉपर ये गुड कंडक्टर हैं। तो ये आज इस वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, तो इसको अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।